सब्सक्राइब कीजिए पोद्दार यूट्यूबर चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्त, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं पोद्दार यूट्यूबर चैनल। तो आज हम बात करेंगे नेसिवियर नोजल ड्रॉप के बारे में और हम बताएंगे नेसिवियर नोजल ड्रॉप का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और किस परिस्थिति में नेसिवियर नोजल ड्रॉप का इस्तेमाल करना है और इसके क्या साइड इफेक्ट है, कंप्लीट रिव्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए, नेसिवियर नोजल ड्रॉप कुछ इस प्रकार से दिखता है और अगर इसको रिव्यू करें तो इसमें ये ड्रॉप दिया हुआ है। ड्रॉप से ही नेसिवियर नोजल ड्रॉप नाक में दिया जाता है। ये बच्चे स्पेशली दवा होता है और इसके जो बॉटल है ये कांच की है और ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है और बहुत ही अच्छा दवा है नेसिवियर नोजल ड्रॉप। तो आप जब कभी भी नेसिवियर नोजल ड्रॉप का इस्तेमाल करें तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करें। अब हम बताएंगे किस परिस्थिति में नेसिवियर नोजल ड्रॉप इस्तेमाल करना है। अगर आपके बच्चे का नाक बंद हो जाए या आपके बच्चे के नाक से पानी गिरे, आपके बच्चे सही ठीक से सांस ना ले पाए या आपके बच्चे को बार बार खांसी हो, जुखाम की समस्या हो, अगर आपके बच्चे ठीक से 4-5 दिनों से सांस ना ले पाए तो होता क्या है, बच्चे का नाक ब्लॉक हो जाता है पानी की वजह से। तो उस परिस्थिति में आप नेसिवियर नोजल ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जब कभी भी नेसिवियर नोजल ड्रॉप का इस्तेमाल करें तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करें। अगर आपके बच्चे का उम्र 5 डेज से लेके और 5 मंथ के बीच में हो तो एक बूंद नेसिवियर ड्रॉप 3 बार यूज कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, रात। अगर आपके बच्चे का उम्र 5 मंथ से लेके और 1 ईयर के बीच में हो तो 2 बूंद नेसिवियर ड्रॉप 3 बार यूज कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, रात। तो आप जब कभी भी नेसिवियर ड्रॉप का इस्तेमाल करें तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करें। अब हम बताएंगे नेसिवियर नोजल ड्रॉप के साइड इफेक्ट के बारे में। अगर नेसिवियर नोजल ड्रॉप यूज करने के 5 या 10 मिनट के बाद आपके बच्चे अत्यधिक चिल्लाना स्टार्ट कर दे या आपके बच्चे को जगह जगह फोड़े फुंसी निकल जाए या आपके बच्चे के बॉडी पे रेडनेस आ जाए तो ये इसके साइड इफेक्ट हुए। अगर ऐसा हो रहा हो तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह ले। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।